हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल परयूसिंग मैथ्स में। परसेंट की बातें चल रही हैं, आज परसेंट आखिरी पार्ट में आ चुका है, आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने हैं। उससे पहले मेन स्ट्रीम के जो क्वेश्चन हैं परसेंटेज के, उनमें एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ अलग होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बताना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए कि मिस्टर अंबानी स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम। अपनी जो महीने की जो कमाई है उसका 50% अंबानी खर्च कर देते हैं किस पे, ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू सामान में। एंड ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। 50% हाउस होल्ड में खर्च करने के बाद जो बचे उसका 50% वो खर्च करते हैं ट्रांसपोर्ट में, 25% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन अदर्स। इन सब खर्चों के बाद ही लेफ्ट विद 900 रुपीज एट लास्ट। ठीक है, वाट इज हिज मंथली इनकम, महीने की उनकी कमाई कितनी है ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में। अब तक हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन, एक इनकम का कुछ परसेंट खर्च करता है, बचे हुए का कुछ परसेंट खर्च करता है, और फिर उसमें बचे हुए कुछ जो है उसका खर्च होता है। ऐसे सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हर क्वेश्चन में। मतलब अगर किसी की कमाई 100 रुपये थी, 100 रुपये में अगर वो 20% खर्च करता तो 80 उसके पास रिमेनिंग होते। 80 में फिर उसने 25% खर्च कर दिए, फिर इसके पास कितने बचे 60। 60 में फिर उसने 10% खर्च किया तो बचे 54। ऐसा कुछ चल रहा था, तब हम क्या करते थे, दो कॉलम्स को कंपेयर करके आंसर ले आते थे। बट यहाँ क्वेश्चन में वो नहीं बोल रहा है, बचे हुए का डिक्रीज हो रहा है, बचे हुए का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ 50% खर्च करने के बाद जितना बचा है उसका 50% वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट पे, 25 कर रहा है एंटरटेनमेंट पे, और 10 खर्च कर रहा है अदर्स पे। ठीक है, ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। तो कैसे इसे हमें सॉल्व करना है आए देखें कैसे करेंगे हम सौगातम। देखिए 50% उसने खर्च किया और बचे हैं 50%। अगर हम मान ले कि 200 रुपये उसकी इनकम थी, तो उसने 50% यहाँ पे खर्च किया हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड में 50 खर्च कर दिया, 50% उसके पास बच गए। 200 का 50% यानी 100 उसने हाउस होल्ड में खर्च किया है, अब उसके पास 100 बच्चे हैं। इन 100 में क्या कर रहा है वो, 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, यानी कि 100 का 50 50। फिर 25% किस पे खर्च कर रहा है, इंटरटेनमेंट पे, मतलब 25 रुपये और खर्च किए। लास्ट में क्या है, 10% अदर्स पे खर्च कर रहा है, मतलब 10। ठीक है, 100 में से 50, 25 और 10 उसने खर्च कर दिए हैं, तो टोटल खर्च किए हैं उसने 85। ठीक है, 100 में 85 खर्च कर दिए तो सेव कितने किया है, 15 अभी भी सेव हो गए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सेविंग टोटल कितनी है, 900 की। 15 अगर 900 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60। जब 1 हमारा 60 है तो 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000। और ये है हमारे अंबानी जी की मंथली इनकम। तो ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, यहाँ सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है,
यहाँ बचे हुए जो पैसे हैं उनमें पार्ट बाय पार्ट खर्च हो रहा है, और फिर यहाँ पे फाइनल खर्च है 100 में से 15 सेव किए, जो क्वेश्चन में 900 था 1 की वैल्यू 60, और 200 हमने माना था कि उसकी टोटल इनकम है, तो आंसर आया 12,000। ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ अगर 60% 40% देता तो आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको कुछ ऐसा रखना है कि 100 200 400 ऐसा कुछ हो। ये 40% होता तो इसे 400 मान लेते, ये हो जाता 600 और ये आता 1,000। आगे हम ऐसे कैलकुलेट करते, ठीक है, ऐसे हमें देखना है। दूसरी बात क्या है कि इसका एक और तरीका बता देता हूँ, वो आप नोट कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ 50% की जगह 12 1/2% देता, यहाँ 6 1/4% देता, यहाँ 33 1/3%, तो फिर यहाँ कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। तो अगर हम दूसरा मेथड जान रहे हैं, तब जब कभी थोड़े टफ परसेंटेज दे आपको, तो उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। दोस्तों दूसरा तरीका जो इसका है कि 15% वो पहले खर्च कर चुका है, मतलब कि अगर दो हमारा इनकम था, ये दो अच्छा क्यों नहीं होता है, तो एक उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है, बचे हैं कितने, एक बचे एक है, इनमें ही ये इतने परसेंट खर्च कर रहा है, मतलब कि बचे हुए एक में वो खर्च कितने कर रहा है दोस्तों, 50% 25% और 10%, मतलब कि 1/2 1/4 और ये 1/10 ये खर्च कर रहा है, यानी 1 में से इतने उसने खर्च कर दिए, ये ऐड हो जाएंगे खर्च है। अब आगे इसे सॉल्व कीजिए, ये होगा 1 - 20 हो जाएगा, ये आएगा 10, ये आएगा 5 और ये आया 2, ये हो गए 17, ये कितने हो गए 17, ये 20, चलिए इसे लिख लेते हैं 1 - 70/20, मतलब कि फाइनली 3/20 उसके पास बचे हैं, ठीक है। 3/20 जो बचे हैं, क्वेश्चन में कितना है 900, ठीक, 3 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 300, तो एक की वैल्यू जो हमारी आएगी वो होगी 6,000। टोटल इनकम कितना था 2, इसलिए टोटल इनकम क्या हो जाएगा 2 × 6,000, हमारा आंसर आया 12,000 रुपये, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ अगर 33 1/3 दे देता, 12 1/2 दे देता, यहाँ दे देता 66 2/3%, ऐसा कुछ, तो डायरेक्ट हम 100 से इसे कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगा लेते हैं। ये चीज़ें हमें पता है, फ्रैक्शंस यूज़ करते आए देखते आए, तो 1 में इन्हें हम ऐसे सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, इसे आप नोट करके लिख लीजिए, फ्रैक्शंस में अगर परसेंट आएगा तो इनका यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमने जो पहला तरीका देखा उसी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इनकम टैक्स और कमीशन देखते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इनकम टैक्स की बातें करते हैं। इनकम टैक्स के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि टैक्स लगाने के लिए इनकम होना चाहिए, घबराइए मत, ऐसे ही मेहनत करते जाइए, जैसे सफलता आपके पीछे चल के आएगी वैसे ही टैक्स भी आपके पीछे चल के आएगा, मेहनत करते जाइए।
इनकम और टैक्स का इफेक्ट क्या है, सॉरी इफेक्ट क्या है उसका और रिलेशन क्या है, ये जानना जरूरी है। टैक्स जब भी लगता है तो हमारा इनकम क्या होता है, कुछ कम होता है, क्योंकि टैक्स का पार्ट उससे अलग हो जाता है, वो हमारी भारत सरकार ले लेती है। तो अगर हम इनकम की बात करें तो टैक्स हमेशा रिड्यूस होता है, और इसके बाद जो हमारे पास बचता है उसे हम नेट इनकम कर कहते हैं। ये है बेसिक चीज, इनकम से टैक्स रिड्यूस होके जो बचता है नेट इनकम कहलाता है। दूसरी चीज जो जानने की है, अगर हम यहाँ इनकम टैक्स और नेट इनकम की बात करें, 100 रुपये अगर हमारा इनकम है, 20 रुपये टैक्स में चला गया तो नेट इनकम हमारा हो जाएगा 80। और अगर उसी इनकम पे टैक्स बढ़ के 30 हो गया, नेट इनकम हो जाएगा हमारा 70। क्या हो रहा है यहाँ दोस्तों, कि अगर टैक्स 10 बढ़ रहा है तो इनकम 10 कम हो रहा है, और ये हमेशा ही होगा जब इनकम हमारा फिक्स होगा। टैक्स में इंक्रीज होगा तो नेट इनकम में उतना ही डिक्रीज होगा, अगर टैक्स डिक्रीज हो गया तो नेट इनकम उतना ही इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम परसेंट की बात करें, हम टैक्स और नेट इनकम में परसेंट की बात करें तो चेंज कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 बढ़ा है 20 से, तो 100 पे कितना होगा, और नेट इनकम कितना चेंज हो रहा है, 10 कम हुआ है 80 से। ठीक है, ये कितनी वैल्यू दे रही है हमें, 50% की, और ये कितना देगा दोस्तों, 12 1/2% का वैल्यू दे रहा है। हमने देखा क्या, यहाँ पे हमारा जो टैक्स है और नेट इनकम है, इनका वैल्यू हमेशा इक्वल हो रहा है। तो अगर हम टैक्स में जो 50% चेंज हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 20 पे, और नेट इनकम में कितने चेंज हो रहे हैं, 80 पे। वैल्यू देखिए दोस्तों, 20 का 50% हो रहा है 10, और 80 का 12 1/2% कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि ये तो 1/8 होता है। तो 10 इक्वल टू 10 कब आया, जब हमने टैक्स के परसेंट चेंज में टैक्स की वैल्यू रखी और नेट इनकम के परसेंट चेंज में नेट इनकम का वैल्यू रखा, तब हमारे वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है, और इसी बेस पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे जो बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि हमें टैक्स का जो वैल्यू है और नेट इनकम का वैल्यू है हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 20% एंड नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 5%, देन फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 20% की वृद्धि हो जाती है और जो नेट इनकम है वो 5% कम हो जाता है, तो हमें फाइंड करना है कि पहले इनकम टैक्स का रेट कितना था, परसेंट कितना था। ठीक है, तो हम यहाँ अगर टैक्स की बात करें और यहाँ नेट इनकम की, टैक्स कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 20% हो गया है, और नेट इनकम कितना रिड्यूस हो गया है, 5%। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी, लेकिन कब होंगी, जब यहाँ हम
टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम नेट इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही हो रहा है। चलिए आगे सॉल्व करें हम इसे। ये हो रहा है 20/100 इंटू टैक्स इक्वल टू है 5/100 इंटू नेट इनकम। ये कैंसल, ये हुआ 1, ये हुआ 4, 1 2 का 4। टैक्स में नेट इनकम यहाँ ले आइए, तो यहाँ क्या बच रहा है दोस्तों, 1 और यहाँ का 4, 1/4। टैक्स है हमारा 1, नेट इनकम है 4, तो हमारा इनकम क्या होगा दोस्तों, टैक्स 1 है, नेट इनकम 4 है, तो हमारा इनकम जो होगा वो क्या होगा, नेट इनकम और टैक्स मिलके ही बनाएंगे हमारे इनकम, मतलब कि हमारा इनकम है 5। हमें फाइंड करना है इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स, परसेंट ऑफ टैक्स की हम बात करें अगर, तो 1 रुपये हमारा टैक्स लग रहा था, किस पे लग रहा था दोस्तों, वो 5 पे हमारे टोटल इनकम पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे हो रहा है 20%। और ये हमारा आंसर आया, मतलब इनिशियल रेट जो थी 20% थी। ठीक है, ऐसे हमने किया। बेसिक क्या है, ये पार्ट है जो हमारे समझने के लिए है कि टैक्स परसेंट, नेट इनकम परसेंट की वैल्यू सेम होगी जब हम टैक्स और नेट इनकम का मल्टीप्लाई कर देंगे उन चीज़ों से। फिर यहाँ से बढ़े, टैक्स 1, नेट इनकम 4, इन दोनों का सम ही क्या होता है, इनकम होता है। ये इनकम है, 5 रुपये पे 1 रुपये टैक्स लग रहा है, तो परसेंट हो रहा है 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाई 6,000 रुपीज एंड द रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस फ्रॉम 18% to 15%। इनकम में 6,000 की वृद्धि हुई है और टैक्स रेट कम हो रहा है, कितना, 18% से 15% हो गया है। वाइल इन बोथ केस 25 इनकम इज टैक्स फ्री, 25% जो कमाई का हिस्सा है वो टैक्स फ्री है दोनों ही केस में, जब इनकम इतना था और 6,000 बढ़ गया। ऐसा है तो फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। इनकम बढ़ा, परसेंट रिड्यूस हुआ टैक्स का, लेकिन दोनों ही केस में वो इक्वल टैक्स पे कर रहा है। हमें इनिशियल इनकम फाइंड करनी है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25% जो टैक्स है वो नहीं लग रहा है। 25% इनकम जो है टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स कितने पे लग रहा है दोस्तों, 75% 75% पे दोनों ही इनकम के हिस्से में लग रहा है। अगर हम मान लें एक्स हमारा इनकम था, उसके 75% पे टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 18%। और ये बराबर है जब हमारा इनकम 6,000 बढ़ गया, उसका 75% पे टैक्स लग रहा है, कितना, 15%, इतना हो रहा है। लेकिन हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब चीज़ें हमें पता है उस बेस पे हमें सॉल्व करने में होगी बड़ी ही आसानी। बार बार एक्स लिखेंगे, बार बार एक्स दिखेगा और फिर कोई याद आ जाएगा, फिर पढ़ाई में हमारा मन कैसे लग पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए 75% इनकम पे टैक्स लग रहा है दोनों केस में। पहले केस में 18% लग रहा था, दूसरे केस में 15% लग रहा है।
18% हुआ हमारा 18/100 और 15% है हमारा 15/100. इतना पता है, क्वेश्चन ने बोला है दोनों ही केस में हम इक्वल अमाउंट पेड कर रहे हैं. अगर 100 हमारा इनकम है तो 18 है हमारा टैक्स. यहाँ भी 15 अगर हमारा टैक्स है और 100 इनकम है तो यहाँ 18 है यहाँ 15 है, टैक्स इक्वल नहीं है. क्वेश्चन ने बोला इक्वल है तो हम इसको इक्वल कर देंगे. कैसे होगा, एलसीएम बेस पे करेंगे. अगर हम 18 और 15 का देखें एलसीएम तो वो होता है 90. मतलब कि 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये टैक्स हमारा इक्वल हो गया तो यहाँ भी 5 से करेंगे और यहाँ भी 6 से करेंगे. अब क्या आ रहा है, 90 हमारा टैक्स है 500 में, 90 हमारा टैक्स है 600 में. टैक्स हमारे इक्वल हो गए. पहले इनकम थी 500, अब है 600. इंक्रीज कितना दोस्तों, 100 का. लेकिन क्वेश्चन ने बोला इंक्रीज कितना हुआ था, 6000 का हुआ है. 6000 का इनकम इंक्रीज हुआ है तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 60. जब एक की वैल्यू 60 है तो हमारा इनिशियल इनकम 500 था तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमें 30,000 रुपये. और ये है हमारा फाइनल आंसर. ठीक है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन बोला था बराबर इक्वल हम पेड कर रहे हैं. यहाँ 18 पेड कर रहा है या 15 पेड कर रहा है. 90 एलसीएम में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, चीज़ें इक्वल हो गई. पहले इनकम था 500, अब है 600. 100 की वैल्यू है क्वेश्चन में 6000, ए की वैल्यू 60 और 500 इनिशियल इनकम मतलब 30,000. ठीक है, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला. दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि द इनकम ऑफ ए मैन इज 28,000. एक आदमी की कमाई 28,000 है. हिज इनकम इज इंक्रीज्ड एंड टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 12% to 10%. अब क्या हुआ, उसका इनकम इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन टैक्स रेट कम हो गया. कितना, 12% से 10%. वाइल इन बोथ केस 30% इनकम इज टैक्स फ्री. दोनों ही दशाओं में क्या है कि 30% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है. फाइंड इज इंक्रीज इन इनकम. अब उसकी कमाई में कितना इंक्रीज हुआ है अगर ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस. दोनों ही केस में क्या किया है, इक्वल टैक्स पेड किया है. ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन. हमने अभी तक जो देखा पिछला क्वेश्चन बेस तो वही है, बस हमें पिछले बार इंक्रीज दिया था, इस बार एक इनिशियल वैल्यू दी है. कैसे करेंगे हम, 12% और 10%. दो चीजें थी, 12/100, 10/100. 100 में 12 टैक्स दे रहा है, 100 में 10 टैक्स दे रहा है, लेकिन टैक्स इक्वल दे रहा है. मतलब 12 और 10 को इक्वल करना है, या तो इसको 10 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए. नहीं मन करे तो 12 और 10 का एलसीएम होगा 60. ठीक है, तो इसे हम 5 से कर देते हैं और इसे हम 6 से कर देंगे, इक्वल हो जाएगा. तो 60/500 ये आ रहा है 60/600. इनिशियल इनकम क्वेश्चन में दिया है हमारा 28,000, 28,000 है. एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी दोस्तों,
0 जाएंगे 5 और 280 बचेगा, मतलब ये आ रहा है हमारा 56। तो हमारा पढ़ के कितना हो रहा है, 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 6 = 6, 3 होगा, मतलब ये हो जाएगा 3300। ठीक है, इंक्रीज कितना हो गया है दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 28,000 से 33,600 हुआ, मतलब 5,000 इंक्रीज होते तो 33,000 होता, लेकिन 600 ज्यादा है, मतलब 5,600 रुपीज हमारा इंक्रीज हुआ है। ये है हमारा आंसर। ठीक है, इजी बा, पढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब कमीशन बेस के क्वेश्चंस देखते हैं। अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। 12% का कमीशन मिलता है जितना भी वो बिक्री करता है उस पे, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000। 15,000 की बिक्री के बाद जब होता है उसे 1% का बोनस कमीशन मिलता है। इफ इस टोटल अर्निंग इज ₹7,650, कुल सेल के बाद कमीशन जो मिला है उसे वो कितना है, ₹7,650। फाइंड टोटल सेल्स, कुल बिक्री कितनी हुई ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 15,000 के ऊपर उसे 1% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 12% का जो कमीशन मिल रहा था कम मिल रहा था, 15,000 के भीतर, 15,000 तक। ठीक है, तो 15,000 पर उसे 12% कमीशन मिल रहा है, और 15,000 से अगर ज़्यादा वो सेल करता है तो 1% बोनस मिल रहा है, मतलब 12 पहले मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 13%। ठीक, 12% की हम अगर बात करें, मतलब होगा ये 3/25। 25 रुपये के सेल्स पे 3 रुपये उसे कमीशन मिलते थे। ठीक है, 25 रुपये के सेल पे कमीशन मिल रहे थे 3 रुपये, लेकिन सेल असल में कितना है, 15,000 है। ये कितना है, 15,000, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6,00। ठीक, 8 की वैल्यू 600 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800। 1,800 रुपये वो कमा रहा है 15,000 के सेलिंग पे, तो अब उसके पास जो बचे हैं वो 7650 में 18,000 वो 1,800 वो कमा लिया है, किस पे, 15,000 को बेच के, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये आएगा 5। ये जो 5,850 रुपये है दोस्तों, वो कब कमाया है, वो जब उसे 15,000 से ज़्यादा की क्या की है, सेलिंग की है, जिसमें 13% का उसे कमीशन मिला है, मतलब कि 13/100, 100 की चीज़ बेचने पे 13 कमीशन मिल रहा है, लेकिन कमीशन कितना है, 5,850। ये है हमारा 5,850। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, 4 से जाएगा तो बचेगा 6,500, यानी कि 450। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4,500। तो अगर हम बोले टोटल सेल कितना हुआ उसका, 13% का जो कमीशन मिल रहा है उसमें टोटल सेल हुई 4,500,
और 12% की कमीशन पे कितना बचा है, 15,000। 15,000 तो टोटल उसकी हो गई अर्न सेविंग 60,000 रुपीज की, और ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें, चीजों को सिंपल वे में सॉल्व करते जाना है। क्या है, 15,000 पे 12% कमीशन मिल रहा है, मान लिया, जबकि 25 के सेल पे 3 कमीशन मिल रहा है। 25 की वैल्यू 15,000, 1 की वैल्यू आई 600, 3 की वैल्यू आ गई 1800। टोटल उसकी कमाई है 7650, उसमें 1800 वो 12% पे कमा लिया है, जो भी बचा है वो कमा रहा है किस पे, 13% पे, और बचा कितना है 5850। 13% की बात करें तो 13/100, 100 की सेल पे 13 कमीशन मिल रही, लेकिन 13 कमीशन है 5850, 1 की वैल्यू आई 450, 100 की वैल्यू आ गई 45,000। टोटल सेल कितने हुए, 13% पे 45,000 बेचा, 12% पे 15,000 बेच रहा है, और आंसर आया 60,000। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक कंपनी के बारे में हो रहा है डिस्कशन, कि एक कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 की जो सेल करता है तो 12% कमीशन मिल जाती है, एंड ए कमीशन ऑफ 9.5 ऑन द सेल्स अबाउट 10,000। 10,000 से ज़्यादा जब वो सेल करता है तो 9.5 का उसे कमीशन मिल रहा है। इफ द सेल्स मैन डिपोजिट रुपीज 17,850, सेल्समैन ने क्या किया है, 17,850 रुपए डिपोजिट किए हैं इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। मतलब क्या हुआ, सेल किया, उसमें जो उसका कमीशन हुआ रख लिया, और जो बचे हैं जमा किया, डिपॉजिट किया, कितने किया 17,850। फाइंड द टोटल सेल, तो टोटल सेल कितना है, कितने की उसने सेल की है हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, दो चीजें हैं दोस्तों, 10,000 तो उसे 12% मिल रहा है, और जब 10,000 से ज़्यादा की सेल ही करता है तो कमीशन घट के हो जा रहा है 9.5 रुपीस। ठीक है, आगे देखें कि 10,000 पे वो 12% का कमीशन पाता है, कितना होगा 12% 10,000 का 1200 रुपये। ठीक है, 10,000 में 1200 उसका कमीशन हो गया, तो रिटर्न कितना करता, वो रिटर्न कितना करता, 8,800 रिटर्न करता। ठीक है, लेकिन उसने टोटल रिटर्न किया है 17850, टोटल रिटर्न इतनी की है, 12% की कमीशन काट के रिटर्न होना था 8800, मतलब अब 9050 रुपये वो और रिटर्न करेगा। ये जो रिटर्न करेगा 9050 रुपीस दोस्तों, ये किस पे करेगा, 9.5% पे करेगा। मतलब अगर 100% सेल हो रही है तो ये अपना 9.5% माइनस कर देगा, यानी कि यहाँ से आ रहा है हमारा ये 90.5% वो रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न हो कितना रहा है 9050। 90.5 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1% की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक जीरो जब यहाँ नीचे जीरो आ जाएगा, ये जीरो जब यहाँ जाएगा तो ये आएगा 100।
1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू आ रही है 10,000। अब देखिए पहले उसने 12% पे 10,000 की सेल की, 9.5% पे 10,000 की सेल की, तो टोटल सेल कितनी आ गए, ये 10,000 और ये 10,000। ये जीरो ही है, बहुत डिजाइन वाले जीरो हैं। तो टोटल सेल कितनी होगी दोस्तों, 20,000 रुपए हो गए टोटल। उसने सेल कितने की, 20,000 की। 10,000 पे 12% जब सेल करता तो कमीशन मिलती 1,200, लौटा आता 8,800। टोटल रिटर्न किया है उसने 17,850। 12% का माइनस करने के बाद वो 9,050 रुपए और रिटर्न करेगा, किस कमाई पे, 9.5 की कमीशन पे। मतलब कि 100 में से 9.5 अपना कमीशन निकाल के 90.5% जमा कर रहा है। वो वैल्यू है 90501 की वैल्यू, 100% की वैल्यू 10,000, टोटल सेल 20,000। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत सा सवाल क्या है। इन एनी गिवन मंथ ए मैन अर्न 8% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ ₹1,000। 1,000 की जब सेल करता है तो 8% उसे कमीशन मिलता है, एंड ऑन फर्दर सेल ही अर्न 20% कमीशन। 1,000 से ज़्यादा का जब सेल करता है तो 20% उसे कमीशन मिलता है। ठीक है, इफ इन टू फॉलोइंग मंथ्स, दो लगातार महीनों में हिज सेल्स आर ₹3,000 एंड ₹4,000। 3,000 और 4,000 रुपए की सेल हुई इसके दो महीनों में, एंड ही अर्न अ कमीशन ऑफ ₹900 एंड ₹1,300 रेस्पेक्टिवली। 3,000 की सेल पे 900 कमीशन, 4,000 की सेल पे 1,300 कमीशन मिला। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एंड बी क्या है, परसेंटेज कमीशन। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम इक्वेशन बेस पे सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, तो हमें सॉल्यूशन भी बड़ा खूबसूरत सा करना होगा इसका। कैसे होगा देखते हैं। एक छोटी सी बात को हम सीख जाएंगे इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान होगा ये हमारा सॉल्यूशन। देखिए 3,000 की सेलिंग जो हुई, 1,000 पे एक क्या मिलता है दोस्तों, उसे 8%। उसके बाद जो भी बिके वो होगा 20%, तो कितना हो रहा है, 2,000 बचा। फिर अगले महीने क्या किया उसने, 4,000 की सेलिंग की। ए का फिक्स है कि 1,000 रुपए पे उसे 8% कमीशन मिलेगा, अगली बिक्री पे उसे 20% मिलेगा, मतलब 3,000 पे। ठीक है, पहले कंडीशन में उसे कमीशन मिला है 900, 4,000 की सेलिंग पे उसे मिली है 13,000 रुपए कमीशन। बहुत बारीक की बात है, समझिए बिल्कुल आराम से कि 1% 1,000 पे मिल रहा है, 1% 1,000 पे मिल रहा है। ठीक है, कमीशन 900 है, अगले महीने 1,300 हुई। क्यों हुआ ये, इसलिए हुआ क्योंकि पहले महीने 2,000 पे 20% का कमीशन मिला था, अगले महीने 3,000 पे बी का कमीशन मिला। ए का कमीशन
फिक्स है, सेल्स 10,000 की हो, 20,000 की हो, 50,000 की हो, 1% उसे हमेशा 1,000 पे ही मिलेगा। जो भी डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, जो भी डिफरेंस ला रहा है, कमीशन के इंक्रीज जो हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि सेल पे इफेक्ट हो रहा है 20% का। आप कोई भी वैल्यू मान के चल जाओ, हम नहीं जानते इनका वैल्यू क्या है। मान लो ए जो है हमारा 20% है, ए अगर 20% होता तो यहाँ पे हमें 200 रुपये मिलते, 900 में 200 में मतलब 700 रुपये मिलते बी को। यहाँ 20% होता ये 200 रुपये, 1300 में 200 रुपये गए तो 1100 मिलते बी को, 700 बी को, 1100 बी को, 400 का डिफरेंस, 900, 1300, 400 का डिफरेंस। डिफरेंस जो भी ला रहा है वो इसलिए ला रहा है क्योंकि बी के सेल पे परसेंटेज चेंज नहीं हो रहे हैं। वैल्यूज जो है यहाँ के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर रहा है। ए की फिक्स है, बी की फिक्स नहीं है। वो जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। सेल कितना ज़्यादा हुआ है दोस्तों, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का सेल आया है। डिफरेंस कितना ला रहा है, 400 का, 1300 बाद में मिले हैं, 900 पहले थे, 1000 रुपये का डिफरेंस ला रहा है 400 बी का। तो 400 का डिफरेंस ला रहा है 1000 पे, तो 100 पे कितना हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा 40%, यानी कि बी की वैल्यू है 40%। जो भी डिफरेंस ला रहा है वो ला रहा है बी, और डिफरेंस आ रहा है 400 का। 1000 रुपये के सेल जब बढ़े तो 400 का डिफरेंस आया है कमीशन में, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 40। बी की वैल्यू 40 आ गई, आप यहाँ पुट कीजिए, चाहे यहाँ पुट कीजिए, हमें ए की वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ देख लेते हैं कि इसे 40% मिल रहा है, मतलब 800 रुपये, 900 में 800 इसे मिल रहे हैं, तो इसे मिलेगा कितना, 100 रुपये। 1000 का 100 रुपये कितना हो गया, 10%। ये किसकी वैल्यू आई, ए की, ए की वैल्यू है 10%, बी की वैल्यू है 40%। हमें ए और बी की वैल्यू जाननी थी 50%, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, बस एक ही बात अगर हम यहाँ समझ गए कि हमारा डिफरेंस केवल बी ला रहा है, 1000 की सेल ज़्यादा हुई तो कमीशन 400 ज़्यादा हो गए, तो 1000 पे 400 हो रहा है, 100 पे कितना हुआ, 40%। बी की वाली 40 यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, यहाँ रखिए 800, 900 कमीशन में 800 बी के कारण आ रहा है, तो ए के कारण 100 रुपये की कमीशन आएगी, 1000 पे 10% हमारा ए आया, ये आया आंसर। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक जेन्युइन तरीके से देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे होगा कि 1000 ए% प्लस 2000 बी%, फिर 1000 ए% प्लस 3000 बी%, ऐसे हमें दो इक्वेशन बनाने होंगे, कैलकुलेट करना होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है। केवल और केवल इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ए कंपनी अलाउज 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल में 20% की कमीशन दे रही है, एंड 10% बोनस बिसाइड द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। 10% का बोनस दे रहा है कमीशन हटाने पे, किस पे, नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच बोनस। ऐसे बोनस को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उस पर कितना दे रहा है, 10% का बोनस। इफ द टोटल सेल इज 10,00,000 रुपए एंड द प्रॉफिट इज 1,32,000, फाइंड द अर्निंग ऑफ सेल्समैन। पहली बात ये है दोस्तों कि अगर हम
प्रॉफिट में बोनस कितना दिया गया है, तो प्रॉफिट में बोनस को माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट। कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ उसमें बोनस उसने सेल्समैन को दिया, जो बचेगा वो कंपनी का होगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट फायदा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकम में हम टैक्स रिड्यूस करके नेट इनकम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि कमीशन कितना मिल रहा है। अर्निंग जो है सेल्समैन की वो क्या होगी दोस्तों, कमीशन जो पा रहा है साथ में बोनस पा रहा है, दोनों का सम होगा, ठीक है। कमीशन पा रहा है 20%, कितने पे, 10 लाख पे पा रहा है। 10 लाख को बड़ा सा लिखते हैं, बहुत बड़ी रकम है ये। 10 लाख पे 20% कमा रहा है, मतलब कमीशन कमा रहा है वो 2 लाख रुपये। 2 लाख उसकी क्या होगी, कमीशन। 10% जो बोनस मिल रहा है ऑन नेट प्रॉफिट, बोनस जो मिल रहा है 10%, मतलब कि 1/10 नेट प्रॉफिट में मिल रहा है। यानी कि अगर ये 10 हमारा नेट प्रॉफिट है तो 1 क्या है हमारा, बोनस। 10 नेट प्रॉफिट है, 1 बोनस है, दोनों का सम क्या मिल के देगा, प्रॉफिट देगा। बोनस यहाँ जाएगा तो ये हमारा सम जो होगा वो क्या देगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 10 + 1 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 3 2 1 2 3 0, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 2 और ये 3 0। 1 की वैल्यू है 12,000, तो बोनस हमारा कितना है दोस्तों, बोनस हमारा 1 की वैल्यू, मतलब 12,000 वैल्यू। कमीशन हमें मिला है 2 लाख, बोनस है हमारा 12,000, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसमें जब हम 12,000 का ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2,12,000 रुपये। ये है हमारा आंसर, यानी कि टोटल अर्निंग जो सेल्समैन की हुई 2,12,000 रुपये आया, ठीक है। इजी था, कैसे कमीशन हमने देखा 20% है, 2 लाख आए, 10% नेट प्रॉफिट में बोनस मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 10 है तो बोनस 1 है, हमारा प्रॉफिट है 11 की वैल्यू 1 3 2 0 0, 1 की वैल्यू 12,000 आई, बोनस हमारा 1, मतलब 12,000। 2 लाख कमीशन से कमा रहा है, 12,000 बोनस से, 2,12,000 हमारा आया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा परसेंट कंप्लीट होता है यहीं पे। 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन हमने देखे हैं, अलग अलग तरीके के लगभग हर क्वेश्चन थे, हर टाइप हमने देख लिया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अगला टॉपिक होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से परसेंट पे डिपेंडेंट है, हमारा बेस क्लियर हो चुका है तो बहुत आसानी से हम समझ सकेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे हम और पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, सीखना है बहुत कुछ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत पढ़िए। बाय।